इस तरह के बोर्ड बाड़मेर में पिछले 4 सालों में हटे नहीं हैं। बाड़मेर शहर की मुख्य बाज़ार की बात करें या मुख्य सड़कों की या फिर बाड़मेर शहर की मुख्य गलियों की, छोटी से बड़ी सड़क, बड़ी से छोटी गली, सारी की सारी सावधान कार्य प्रगति पर है, आगे रास्ता बंद है, इस तरह के जुमलों से जगह जगह सजी पड़ी हैं। बाड़मेर शहर में दुबई बनाने की बातें चल रही है। ये कहा जा रहा है कि बाड़मेर ज़िले में जब से तेल खोज हुई है उसके बाद 5000 करोड़ का राजस्व राजस्थान सरकार को मिलता है। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शहर की आबो हवा कुछ बदलेगी, गंदा और गंदगी से अटा शहर स्वच्छ शहर की श्रेणी में आएगा, दुबई की झलक दिखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। कई जगह पर कचरे के इस तरीके से ढेर लगे पड़े रहते हैं, इस तरीके से मलबा बिखरा पड़ा रहता है, और तो और जहाँ देखो वहाँ पर निर्माण सामग्री और ऐसे काम जो कई सालों से अधूरे पड़े हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। भविष्य का दुबई बनाने को लेकर जो जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए गए वो सारे के सारे हवा हो चुके हैं। बाड़मेर शहर खुदा पड़ा है और आजकल सोशल साइट्स पर भी एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इधर खुदा उधर खुदा, जहाँ देखो खुदा ही खुदा और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा, सौजन्य नगर परिषद बाड़मेर। हालांकि ये कैसी रणनीति है कि शहर पूरी को खोद दिया गया और उसके बाद आज दिन तक ये बात सामने नहीं आई कि शहर विकास किस गति से करेगा या शहर को विकास किस तरह से करने की प्लानिंग नगर परिषद और स्थानीय निकाय की है। फिलहाल कोई कहता हुआ नज़र नहीं आता कि मेरे शहर को खोदा क्यों है, न तो जनप्रतिनिधि न आम जनता। जनप्रतिनिधि शायद इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ज़्यादातर की सरकार केंद्र और राज्य में है, और जनता इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बार उनको बेवकूफ़ बनाने वाले नेता आने जाने हैं और ये उनकी नियति बना हुआ है। फिलहाल आम जनता परेशान है, लेना देना किसी को नहीं है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।
होगा। मनीष कुमार, एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं जगह जगह पे इन्होंने नगर परिषद के लोगों ने खोद रखा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल के पास भी और ब्रिज के नीचे भी इन्होंने खोद के रखा है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन के सामने का इलाका है वहाँ पे भी इन्होंने खोद के छोड़ दिया है। कार्य को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। उस खोदने के कारण जो ये नाली का कचरा है ये जो बाहर आ रहा है, लेकिन उस कार्य को आप वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ के दुकानदार है वो भी अपनी जो सुबह से आके और शाम तक बेरंग होके लौट जाते हैं। उनके पास ना तो कोई कमाई होती है ना ही कोई आमदनी उनको मिलती है, क्योंकि उनके जो मुख्य द्वार के आगे ये गड्ढे खोद के रख दिए जाते हैं, जिनसे उनका जो रोज़ का रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कि हॉस्पिटल के पास भी गड्ढे खोद खोद के सड़क पर रेत बिछा दी गई है। उस रेत के कारण भी जो आवागमन है, जो बाइक्स हैं, जो अभी जो उस बाइक्स वहाँ से गुजर रही है, वहाँ की स्लिप होने की जो घटनाएँ हैं वो भी एक दो दिन पहले दिखी जा रही है। ऐसे ही पूरा खुदाई के बाद जो कचरा है वो अस्त व्यस्त यहाँ पे बिखेर दिया गया है, जिसे जो आवारा पशु है या फिर पशु उसके चक्कर में यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और इसके कारण कई बार कई गायों की मौत भी हो चुकी है इन पशुओं को कचरा खाने के बाद। बाड़मेर शहर के हालात के लिए आज नहीं, लगभग पिछले 3 वर्ष से इतनी गंदगी का आभार के साथ में जगह जगह गड्ढे, सड़कें टूटी हुई, और जिस प्रकार से बिना प्लानिंग के नगर परिषद कार्य कर रही है उसके संबंध में आम जनजीवन का जीने का दुश्वार हो गया है। और किसी भी प्रकार की कोई भी तरह का नियोजन नहीं है। कल्याणपुरा में रेलवे स्टेशन रोड पिछले 3 साल से निरंतर गति से प्रतिदिन, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन नाला ओवरफ्लो नहीं था, जिस दिन बाड़मेर के जो हृदय है रेलवे स्टेशन से लेके और कलेक्टेड बंगले तक पानी से भरा हुआ नहीं, गंदगी से भरा हुआ नहीं, और पूरी तरह से नाला अस्त व्यस्त, सड़कें अस्त व्यस्त। साथ ही साथ कहीं पे भी कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए ना तो किसी बिजली विभाग से कॉम्बिनेशन, ना पीएचडी से कॉम्बिनेशन, जलदाय विभाग से कॉम्बिनेशन। और गौरव पथ का भी साथ में मैं हवाला देते हुए आपको बताऊं, आज 8-9 महीने से ज़्यादा हो गए गौरव पथ को, और क्या हालत हुई है बाड़मेर की जनता ने, कितना भुगता है। इस नगर परिषद का जो बोर्ड है वो पूर्ण रूप से विफल और बाड़मेर की हालत बद से बदतर करने में लगा हुआ है। बाड़मेर के सीवरेज का कार्य जो नगर परिषद के हाथ में, जो मेन रेलवे स्टेशन रोड का जो चल रहा है, मैं उसके बारे में विशेष रूप से इन नगर परिषद के सभापति महोदय और पूरे बोर्ड से ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जाँचें, जाँच कर वहाँ प्लान करें, प्लान करके उसके बाद में लेवल चेक करें, लेवल चेक करने के बाद में कोई भी कार्य करें। अपनी मर्जी से कहीं तोड़ रहे हो, कहीं जोड़ रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं है, एक जगह पे तोड़ के दूसरी जगह पे जोड़ रहे हो, उसका पानी उधर डाइवर्ट हो रहा है, कहीं पे गंदगी का आभार लगा हुआ पड़ा है। कोई भी तरह से आप कोई काम करते हो तो क्यों देश की इस रेवेन्यू को बर्बाद कर रहे हो, जो बड़ी मुश्किल से भारत की जनता आपको अपना जेब काट के और रेवेन्यू देती है, उस रेवेन्यू का आप बर्बाद करने में लगे हुए हो। यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं बाड़मेर में, जैसे आप पता है रेलवे स्टेशन का नाला है, राय कॉलोनी का नाला है, चामुंडा माता का नाला है, यहाँ इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े नाले हैं जो सड़कों पर बह रहे हैं और काफ़ी समय से बह रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक शायद 3-4 साल से वो सड़कों पर ही बह रहे हैं। मैं जब आया था यहाँ पर ज्वाइन करने तब भी मैं उस नाले में से ही होके आया था, क्योंकि वो नाला बह रहा था इतना ज़्यादा कि, तो मेरी कोशिश ये रही कि यहाँ आने के बाद एटलीस्ट मेरे आने के बाद अब आने वाले वाले अधिकारी को, या जब मैं वापस जाऊँ तो उस नाले में पैर रख के मुझे नहीं जाना पड़े। यदि किसी विभाग का तोड़ रहा है तो हम लोड कटिंग ले रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, और ये तो विभागों का आपसी सामंजस्य की कमी है या तो, और वैसे ऐसा कोई काम अभी चल नहीं रहा है जहाँ विभाग तोड़ रहे हैं। मोटा मोटा जो काम चल रहा है, आपकी जो बड़ी समस्या है रेलवे स्टेशन और राय कॉलोनी का नाला, इनका काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। तेज़ी से इसलिए आपको एकदम से इतना ज़्यादा टूटा हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है
क्योंकि लार्ज स्केल पे काम चल रहा है, छोटे छोटे पॉकेट्स में काम चलता था आमतौर पे, अभी बहुत तेज़ गति से लार्ज स्केल पे काम चल रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट भी ये है कि बारिश आने से पहले हम हमारा काम वाइंड अप कर दें, क्योंकि बारिश आने तक वाइंड अप नहीं किया तो फिर समस्याएं बहुत विकराल रूप ले लेंगी, फिर वो 3 महीने तक काफ़ी लोगों को उसमें सफ़र करना पड़ेगा वो ठीक है, पर पानी तो वैसे भी बहेगा, नाला बन जाएगा तो भी सड़क पर पानी बहना है वो तो बारिश में तो, लेकिन फिर वो नाला दिखा नहीं, खुदाई दिखाई नहीं दी तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है, बारिश जुलाई फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है, तब तक हम ये काम वाइंड अप कर दें। और जहाँ तक आप पुलिया के नीचे या इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हॉस्पिटल के भी काफ़ी मरीज रहते हैं और बस स्टैंड का भी काफ़ी क्राउड वहाँ पे रहता है, रेलवे स्टेशन भी पास में ही है, तो वहाँ पे सरकार ने जो एक मॉडर्न शौचालय कहा था कि आप व्यावसायिक क्षेत्र में बनाएं, आप जितना व्यावसायिक में बना सकते हैं, क्योंकि सरकार 50 लाख रुपये उस पर खर्च कर रही है, एयर कंडीशन शौचालय बना रही है, तो इसलिए वहाँ पर आम जन को अप्रोच को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बनाया गया है। तो वहाँ से ऐसे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है, मोटा मोटा आपका रेल। और जहाँ तक चामुंडा माता की आप नाले की बात कर रहे हैं, उसके हमने टेंडर करवा दिए हैं, वो जो नाला बनेगा लगभग 2.25 करोड़ की लागत का बनेगा, तो उसके हमने टेंडर करवा दिए हैं, काम शायद हम बारिश के बाद ही चालू कर पाएंगे, क्योंकि नाला बड़ा है और बीच में कहीं भी छोड़ना दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना जैसा रहेगा, तो इस बार और बारिश में लोगों को जो झेलते हैं 3-4 साल से वो झेलना पड़ेगा। नाले की हम सफाई करा रहे हैं, और जहाँ तक निकासी की बात है हम लोग प्राथमिकता से निकासी कराएंगे, वो समस्याएं नहीं आएंगी। और जो मोटा नाला है आपका चामुंडा माता नाला, वहाँ जो समस्या थी वो कोई बहुत ज़्यादा सुधार उसमें आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो अब बारिश के बाद ही नाला, क्योंकि वो लंबा नाला है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबा नाला है, और 2-2.5 किलोमीटर लंबा नाला इतने से शॉर्ट पीरियड में बनाना संभव नहीं है। अच्छा, बारिश में बन नहीं पाएगा, बारिश में कोई भी काम संभव नहीं है, क्योंकि कुछ भी हम डालेंगे बारिश में बह जाएगा पूरा, बारिश से अब इतने शॉर्ट पीरियड में उस काम को चालू करना भी उचित नहीं है।